सो फ्रेंड आज हम आए हैं, सफर करो भाई, अभी अभी मैं रेडी नहीं हूँ ना भाई, इधर आओ ना, इधर वाली साइड, ये चीज। हेलो फ्रेंड्स, अनदर व्लॉग वीडियो के साथ मैं हूँ एबी, ठीक है तो फिर कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे सब बहन भाई। तो फिर शुरू करते हैं अपना व्लॉग भाई। एबी आज हम आए किस जगह पे? आज हम आए हैं उस जगह जहाँ पाकिस्तान की बुनियाद रखी, यानी पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई। उस जगह का नाम, उस जगह का नाम हमारी बैक साइड पर आप देख रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान। नजर आ रहा है। हम आगे चल के देखते हैं कैसा है। तो फिर शुरू करें। ओके। लाहौर शहर, जहां आपको बहुत सी तारीखी इमारत देखने को मिलती है, वहां ही लाहौर की पहचान और पाकिस्तान की शान मीनारे पाकिस्तान भी देखने को मिलता है। मीनारे पाकिस्तान को नेशनल टावर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। March 23, 1940 को जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई तो यहाँ एक जलसा मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत कायद आजम मोहम्मद अली जना ने की। तब यहाँ एक पार्क होती थी जिसका नाम मंटो पार्क था, बाद में इकबाल पार्क और अब ग्रेटर इकबाल पार्क रख दिया गया है। 23 मार्च 1960 को मीनारे पाकिस्तान की तमीर का काम शुरू हुआ और 21 अक्टूबर 1968 में मुकम्मल हुआ। 8 साल के अरसे में इस मीनार को तमीर किया गया। मीनार की लंबाई 62 मीटर है और ये ज़मीन से 8 मीटर ऊपर है, मतलब टोटल लंबाई 70 मीटर है। मीनार पाकिस्तान का डायामीटर तकरीबन 9.75 मीटर है। मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन ऐसा है जैसे एक फूल हो और उसमें से एक मीनार बाहर आ रहा हो, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। अगर मीनारे पाकिस्तान को ऊपर से देखा जाए तो आपको एक चांद और सितारा भी देखने को मिलता है, जिस तरह पाकिस्तान के झंडे में देखने को मिलता है, और इस सितारे के दरमियान में मीनार को तमीर किया गया है। मीनारे पाकिस्तान का डिज़ाइन नसीरुद्दीन मुराद खान ने बनाया था। मीनार पाकिस्तान के अंदर आपको कुरानी आयात, अल्लाह ताला के नाम और इसके अलावा मुख्तलिफ जबानों में कौमी तराना, कायद आजम मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल की तकरीर भी देखने को मिलती है। मीनार पाकिस्तान को चारों तरफ से जंगला लगाकर आम आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। इकबाल पार्क की तज़ीन और रहाइश का काम 10 अक्टूबर 2015 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 2016 को मुकम्मल हुआ और इसका नाम इकबाल पार्क से ग्रेटर इकबाल पार्क कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान के साथ ही आपको हफीज़ जलंधरी का मज़ार भी देखने को मिलता है। हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना, मतलब नेशनल एंथम लिखा था। ग्रेटर इकबाल पार्क में आपको डांसिंग फाउंटेन भी देखने को मिलते हैं।
और रात के वक्त ये डांस करते हुए फाउंटेन भी एक अलग ही किस्म का मंजर पेश करते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में आपको नेशनल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम भी देखने को मिलता है। भी भाई को एक भाई और मिले हैं, ठीक है। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।